कबर का जहूर था, अरे आंखें भी जब थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब थी तो मोहम्मद का नूर था। रबीउल अव्वल 11 तारीख गुजर चुकी है और 12वीं का सूरज शुरू होने वाला है। एक हस्ती जो बड़े बड़े वकार चेहरे, बड़े बड़ी शख्सियत, जो कुरैश के सरदार भी हैं, वाली काबा भी हैं, बूढ़े लेकिन तमाना जिस्म के मालिक, जिनके यूं तो बहुत से बेटे हैं लेकिन एक बेटा ऐसा कि जिस बेटे से बड़ा प्यार है, इतना प्यार कि वक्त आने पर जिस पर दर्जनों ऊंट कुर्बान कर दिए थे, वो बेटा दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन उस बेटे के घर बच्चे की विलादत को तवक्को है। दादा की कैफियत क्या होगी कि बेटा दुनिया में मौजूद नहीं है, वो बेटा जो बड़ा महबूब था अब दुनिया में मौजूद नहीं है, उसके घर बच्चे की विलादत को तवक्को है। कभी मुताफ में तशरीफ लाए, कभी काबे को देखते हैं, कभी आमना की कोठरी की तरफ देखते हैं, नाम है अब्दुल मुत्तलिब, कभी काबे को देखते हैं, कभी आमना की कोठरी की तरफ। अभी रात गई नहीं है, सुबह आई नहीं है, रात में ये इंतजार की थी कि मौला, लगता ऐसा है कि रात में इंतजार की है कि मौला ये नेमत मेरे दामन में डाल दे, सुबह ने ये इंतजार की कि मौला मैंने बरसों से इस घड़ी का इंतजार किया है, ये सआदत मेरे मेरे नसीब में डाल दे कि जब जब तेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात की भी सुन ली, दिन की भी सुन ली, आका अपने महबूब को उस वक्त मबूस फरमाया कि जब रात जा रही थी दिन आ रहा था, वो घड़िया वो साथ जब जब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करते करते कभी काबे को देखते हैं, कभी आंगना की कोठरी की तरफ, एहसास है, ख्याल है कि अभी कोई खबर आने वाली है। इतने में एक लौंडी दौड़ती हुई आई, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे मुबारक हो, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे अब्दुल्ला के घर बेटे की विलादत हुई है। कहा खुदा की कसम, अभी देखा ही था, मैं समझ गया था उसी वक्त कि जब जब आबा आमना की कोठरी की तरफ सच्चा रेज हुआ, मैं तभी समझ गया था कि सारे जहानों को जिसका इंतजार है वो मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुका है। अंतुम की जौ न शम्सो कमर का जहूर था, अंतुम की जौ न शम्सो कमर का जहूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। और वही विलादत की घड़ियां, वही विलादत की घड़ियां कि जिसका सदका ये दुनिया मौजूद है। शबे कद्र को कुरान मजीद में जिक्र किया गया और शबे कद्र हजार महीनों से अफजल था, हजार महीनों से अफजल। क्यों? इसलिए कि उसके कुरान नाजिल हुआ, अगर उसकी इबादत उसमें इबादत कर ली जाए, 21, 23, 25, 27, 29 पांच ताक रातों में इस रात को तलाश किया गया। करते हैं ना, 21 को भी बैठते हैं, 23 को भी, 25 को भी, ज्यादा लोग 27 को बैठते हैं, रमजान की 27 तारीख को सब मस्जिदों में होते हैं, घर में होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। क्यों? कुरान ने कहा हजार महीनों से अफजल रात, इसमें की हुई इबादत का सवाब हजार महीनों से अफजल है। किसलिए? कुरान ने कह दिया, इसलिए उस शब्द कुरान नाजिल हुआ क्या 2010 की 2010 की 27वीं शब को कुरान नाजिल हुआ, 2010 की ताक रात, किसी एक ताक रात जिसे शबे कद्र कहा जाए, उस शबे कद्र में कुरान नाजिल हुआ, हुआ ऊंचा करिए, नहीं हुआ। लेकिन इबादत करने वाले को हजार महीनों से अफजल रात का सवाब मिल गया, इसलिए नहीं कि उस रात कुरान का नुज़ूल हो रहा है। हाँ, बरस था, बरस पहले
جس رات قرآن کا نزول ہوا تھا اب اس قرآن کی نسبت سے رہتی دنیا تک ہر ایک کو اس رات ثواب ملتا رہے گا. جب جب شب قدر کا ثواب نسبت پر سفید مل رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس رات کو ہم محبت سے منائے تو ہم ثواب سے محروم رہ جائیں؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ نسبت کا فیض شب قدر کا بھی مل رہا ہے, شب میلاد کا بھی مل رہا ہے. یہ نسبتوں کا فیض ہے. اللہ رب العزت یہ نسبتیں قائم رکھے. میں اپنے احباب سے جس سلاخہ کو دعوت دے رہا ہوں ان کا تعلق تو ممتاز ہو, محترم سناخہ جناب نصیب کا آبشار سے ملتمس ہو, تشریف لائیں اور حضرات عیدن بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.